So, hello everyone. Uh, welcome again to the session. In our first chapter of fundamental of partnership accounting, now we are going to study the next topic, which is related to interest on drawings. In the previous session, in the previous class, we have discussed about calculation of interest on capital. Now, similarly, the topic is here where the drawings, interest on drawing is calculated. मैथड द अप्रोच इज ऑल्सो सेम यस वी हैव समिफरेंट मैथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकेस द पार्टनर्स आर रेगुलरली विड्रॉइंग सम अमाउंट फ्रॉम द फॉर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैल्कुलेशन भी हमारे लिए एक सेम तरीके से करनी है जैसे हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी मीन्स द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम सो सेम अप्रोच है वैसे ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको करनी है एक एग्जाम्पल समझते हैं इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर इलेवन हम करने जा रहे हैं विच इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेशन राहुल इज अ पार्टनर इन अ फर्म ही विद्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट डिसेंबर टू थाउजेंड वन अब ये इनके अमाउंट इन्होंने इस इस मंथ में विड्रू करे हैं ये मंथ की डेट है कब कब विड्रू करें और ये अमाउंट है जितना जितना उन्होंने विड्रू किया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना है नाइन परसेंट की रेट से कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ईयर एंड की डेट है थर्टी फर्स्ट दिसंबर यहां इंपॉर्टेंट है कि आपका ईयर कब एंड हो रहा है बिकॉज ड्राइंग जब कोई पार्टनर करता है तो उसका पैसा वो वापिस लौटाता नहीं है उसका एडजस्टमेंट ईयर एंड पर कैपिटल से होता है जैसे आपको पता भी होगा कि ईयर एंड पर हम क्या करते हैं जो cap, जो ड्राइंग का अमाउंट है आपका वो हम लोग एट एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है वहां हम कैपिटल से एडजस्ट कर लेते हैं डिडक्ट कर लेते हैं सेट ऑफ कर लेते हैं मीन्स पार्टनर ड्रॉइंग करने के बाद उस पैसे को वापिस हमको लौटाता नहीं है इसका मतलब ईयर एंड तक वो उस ड्रॉइंग के अमाउंट को इंजॉय करता है उस ड्राइंग के अमाउंट को यूज करता है तो इसलिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि फ्रॉम द दे डेट ऑफ ड्राइंग टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पीरियड आपको लेना है इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए जैसे अगर पार्टनर ड्राइंग करता है फर्स्ट फैब को तो फर्स्ट फैब को उसने ड्राइंग करी 8000 तो अब आप अगर इंडिविजुअली हर ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो तो 8000 वाली ड्राइंग जो फैब में हुई कहां तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे टिल द एंड थर्टी फर्स्ट दिसंबर बिकॉज उससे पहले इस ड्रॉइंग को आपने पे भी नहीं किया कैपिटल से एडजस्ट भी नहीं किया एट द एंड ऑफ द ईयर ये ड्रॉइंग कैपिटल से सेट ऑफ हो जाएगी और वो ड्राॅइंग खत्म हो जाएगी इसलिए तब तक, तक का हम इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एक तरीका यह भी हो सकता है और एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम पहले जो फैप की ड्रॉइंग है उस पर फैप का और मार्च का इंटरेस्ट ले लें दो महीने का इसके बाद अप्रैल में फिर इसने ड्रॉइंग करी है अप्रैल थर्टी को मतलब अप्रैल भी पूरा उसने एट थाउजेंड तक की ड्राइंग चलाई थी तो एट थाउजेंड वाली जो ड्राइंग है वो तीन महीने रही फेब प्लस आ, मार्च प्लस अप्रैल तो इस पर तो हम इस ड्राइंग पर तो हम थ्री मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें फिर इनकी ड्राइंग 6000 और हो गई तो अब हमारी जो टोटल ड्राइंग है वो 14000 हो गई तो अब हम आगे की ड्राइंग फोर्टीन थाउजेंड लेके चले अप्रैल मे और थर्टी जून तक यही ड्राइंग रही मीनस अप्रैल मे और जून ये तीन महीने का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें इस फोर्टीन थाउजेंड की ड्राइंग पर एंड सो ऑन इस तरह अमाउंट को एक्यूमुलेट करते जाएं और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते जाएं एक तरीका यह भी है और एक मैंने आपको जो बताया कि इंडिविजुअली भी आप एट थाउजेंड पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर थर्टी फर्स्ट दिसंबर इसके बाद अप्रैल वाली ड्राइंग पर अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल से लेकर इकतीस दिसंबर तक इस तरह से भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं तरीके हैं मैथमेटिक्स है कैसे भी आप कैलकुलेट कर लो आप अपनी बुक देखोगे तो वहां पर कोई प्रोडक्ट मेथड भी होगी जिसमें आप लोग क्या करते हो जो ड्राइंग का अमाउंट है उसको मंथ से मंथ जो ड्राइंग के मंथ्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करके उसका पहले प्रोडक्ट निकालते हो और फिर उस जो टोटल प्रोडक्ट आएगा सारी ड्राइंग करने के बाद जो सम टोटल आएगा प्रोडक्ट का उस पर एक साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो बात सब जगह से एक ही है आंसर वही आना है जैसे भी आप चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं मैं आपको सिंपल तरीका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का बता रहा हूं वो है इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाला जिस पर हम लोग इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे

तो थर्टीथ अप्रैल मतलब अप्रैल तो एंड हो गया पूरा खत्म हो गया तो सिक्स थाउजेंड पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो अप्रैल के बाद कितने मंथ होते हैं अप्रैल के बाद दिसंबर तक हमारे पास एट मंथ्स होते हैं तो एट मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे मई से लेकर दिसंबर तक का इसके बाद जून थर्टी जून जून भी यहां पर एंड हो चुका है उसके बाद इन्होंने ड्राइंग करी है नाइन थाउजेंड की तो इस नाइन थाउजेंड की ड्राइंग पर थर्टी जून के बाद जुलाई से लेकर दिसंबर तक का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो इंटरेस्ट है वो होगा सिक्स मंथ का जो इस पर कैलकुलेट करेंगे इसके बाद थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट बारह हजार की ड्राइंग है इस पर नाइन परसेंट थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट अगस्त भी खत्म हो गया अगस्त के बाद सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक चार महीने होते हैं तो ये ड्रॉइंग चार महीने रही इस पैसे को आपने चार महीने तक यूज किया एंड ऑफ द ईयर तक चार महीने का इंटरेस्ट लगेगा इसके बाद अगली ड्राइंग फर्स्ट अक्टूबर की है फर्स्ट अक्टूबर को आपने ड्राइंग करी है एट थाउजेंड की तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर थ्री मंथ्स का इंटरेस्ट आप यहां चार्ज करेंगे और इसके बाद लास्ट ड्राइंग आपकी है दिसंबर को थर्टी फर्स्ट दिसंबर को थर्टी फर्स्ट दिसंबर को जो ड्रॉइंग है सेवन की है उस पर नाइन परसेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा लेकिन टाइम कितना होगा 31 दिसंबर की ड्राइंग 31 दिसंबर को ही सेटल हो जाएगी बिकॉज़ इन सारी ड्राइंग का अमाउंट हमने 31 दिसंबर तक ही कैलकुलेट किया है तो जो ड्राइंग आपने साल के एंड के दिन ही करी है वो साल के एंड के दिन ही कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगी तो इस ड्राइंग का जो पीरियड है जो यूज ऑफ मनी आपने फंड किया है वो जीरो डेज है जीरो मंथ्स है तो यहां पर जीरो डेज या मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इसलिए इस पर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ही नहीं जीरो इंटरेस्ट आएगा ये ये इंटरेस्ट पे लिए एप्लीकेबल नहीं है बाकी ड्राइंग्स पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट आएगा वो हम यहां पर कैलकुलेट करके लिख देंगे तो सबसे पहले मैं बात करूं 8000 वाली ड्राइंग पर 8000 वाली ड्राइंग पर 9 परसेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर 11 मंथ्स ये आपका आएगा 660 इसके बाद सिक्स थाउजेंड वाली ड्राइंग पर नाइन परसेंट एट मंथस का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ये आपका आएगा थ्री सिक्सटी फिर नाइन थाउजेंड वाली ड्राइंग पर नाइन परसेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर सिक्स मंथ्स ये आएगा फोर जीरो फाइव फिर ट्वेल्व थाउजेंड वाली ड्राइंग पर नाइन परसेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फोर मंथ्स का ये आपका आएगा थ्री सिक्सटी इसके बाद एट थाउजेंड की ड्राइंग पर नाइन परसेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अगेन थ्री मंथ्स का ये आपका आएगा वन एट्टी और लास्ट वाला तो हमारा जीरो है तो, अब टोटल अगर हम कर लें, तो टोटल कितना इंटरेस्ट हो गया वो हम देख लेते हैं टोटल हो गया नाइनटीन सिक्सटी फाइव तो इतना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको यहां पर लेना है पार्टनर से और कई बार क्वेश्चन इसकी एंट्री भी पूछता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की दो एंट्री है पहली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्म के लिए एक तरीके की इनकम है जो पार्टनर से ले रही है तो इनकम है तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को तो हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे क्या कि पार्टनर से लेंगे हम उसकी कैपिटल से इसका पैसा निकालेंगे तो उसकी कैपिटल को हम रिड्यूस करेंगे कैपिटल सीआर होती है कैपिटल से पैसा निकालेंगे तो कैपिटल को हमें रिड्यूस करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा तो कैपिटल को हम कर देंगे डी आर और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाएगी सीआर और दूसरी एंट्री होगी कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहीं ना कहीं कंपनी के लिए फॉर्म के लिए एक इनकम है तो ये इनकम आपके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जानी चाहिए और वहां से ये प्रॉफिट में आपके ऐड हो जाएगी तो प्रॉफिट में ऐड करने के लिए क्योंकि हमारा प्रॉफिट कहाँ पड़ा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये हमने पढ़ रखा है ये है पी पीएंडल अप्रोप्रियशन अकाउंट में तो इसको उसको पीएनडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो जिससे आपका ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नाम का अकाउंट क्लोज हो जाएगा और ये पैसा आपका पी एंडल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा तो ये दो एंट्री होंगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एक बार जब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया और दूसरा जब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को पी पीएडल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके उसका अकाउंट क्लोज कर दिया तो ये होंगी दो एंट्रीज ये है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन तरीके बहुत हैं जैसे आप चाहो वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है अगली इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टॉपिक में देखिए ये तो हो गया सिंपल तरीका लेकिन सोचिए ये अगर मैंने यहां ड्राइंग छह बार करी है तो मुझे छह बार कैलकुलेशन करनी पड़ी अगर यही ड्राइंग हर महीने की जाए एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर की जाए तो अब मेरे लिए अगर सपोज एवरी मंथ ड्रॉइंग हो रही है बारह महीने साल के बारह बार ड्रॉइंग हो रही है तो बारह बार मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा ट्वेल्व टाइम्स कैलकुलेशन करना आई थिंक एक वर्क है अगर ऐसा करना पड़े तो एक कर, 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 एक कई तरीके से एक ट्रबल हमारे लिए क्रिएट होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी हमारी कैलकुलेशन हमारा वर्कलोड बढ़ता है अब क्या इसके लिए कोई एक शॉर्ट तरीका है जिससे हम उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इजीली कर सके एक ही बार में कर सके तो हां हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एवरेज पीरियड कॉन्सेप्ट जिस पर हम क्या करेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे इस एवरेज पीरियड कॉन्सेप्ट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे एक एवरेज पीरियड से एवरेज पीरियड मेथड में आपको क्या करना है जो इंटरेस्ट जो आप कैलकुलेट करते हो अलग अलग ड्राइंग पर अलग अलग उसकी जगह आप एक साथ ड्राइंग का अमाउंट एक्यूमुलेट कर लेंगे साल भर में आपने टोटल जो ड्राइंग करी उस टोटल ड्राइंग पर एक साथ आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे टोटल ड्राइंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो एवरेज टाइम है एवरेज पीरियड में हम ये इंटरेस्ट का एवरेज टाइम ही निकालेंगे यही पढ़ रहे हैं हम ये एवरेज टाइम हमें कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है अब ये एवरेज पीरियड या एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट होगा यही हमको सीखना है देखो पहली बात तो ये एवरेज मेथड हर जगह अप्लाई नहीं होगा इसको अप्लाई करने की दो कंडीशन है पहली कंडीशन ये है कि ड्राइंग कंटिन्यूस होनी चाहिए कंटिन्यूस ड्राइंग का मतलब है जो गैप है जो टाइम इंटरवेल है बिटवीन द टू ड्रॉइंग्स शुड बी सेम जो टाइम इंटरवेल है वो सेम होना चाहिए टाइम इंटरवेल शुड बी इक्वल सेम मींस इसका मतलब ये है जैसे मैंने अगर ड्राइंग करी एक महीने में तो अगली ड्राइंग भी मैं उसी डेट को अगले महीने करूं फिर अगले महीने फिर उसी डेट को करूं या फिर दो दो महीने के गैप कर रहा हूं तो दो दो महीने के गैप में करूं तीन तीन महीने के गैप में ड्राइंग कर रहा हूं तो तीन तीन महीने के गैप में ड्राइंग करूं ऐसा नहीं हो कि पहले तो मैंने एक बार ड्राइंग करी एक एक महीने के गैप में फिर तीन महीने बाद मैंने इसको चेंज करके दो दो महीने के गैप में कर दिया फिर मैंने तीन महीने बाद चेंज करके उसको चार चार महीने के गैप में कर दिया ऐसा नहीं होना चाहिए अगर मैं ड्रॉइंग कर रहा हूं एवरी मंथ विद द गैप ऑफ मंथ तो मुझे अगली ड्रॉइंग भी उसी गैप के साथ उसी टाइम पीरियड के साथ करनी है अगर मैं मंथ के फर्स्ट डे को पैसा निकाल रहा हूं एवरी मंथ फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ अगर मैं विद्रॉ कर रहा हूं तो मुझे पैसा अगले महीने भी एक तारीख को ही निकालना है ऐसा नहीं कि एक महीना तो आपने फर्स्ट डे को निकाल लिया फिर आपने कभी किसी महीने के मिड में पैसा निकाल लिया और फिर उसके बाद कभी एंड में विद्रॉ कर लिया नहीं तो पहली कंडीशन तो यह है अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग शुड बी और मस्ट बी कॉन्स्टेंट ड्रॉइंग का अमाउंट भी कॉन्स्टेंट होना चाहिए चेंज नहीं होना चाहिए सेम होना चाहिए मतलब अगर मैंने हर महीने दस हजार निकाले तो मैं अगले महीने भी दस हजार निकालूंगा उसके अगले महीने भी दस हजार निकालूंगा उसके महीने भी अगले महीने भी टेन थाउजेंड ही निकालूंगा मीन्स मैं ड्रॉइंग का अमाउंट भी चेंज नहीं कर रहा ऐसा नहीं कर रहा कि पहले मैंने एट थाउजेंड निकाल लिया फिर मैंने सिक्स थाउजेंड निकाल लिया फिर मैंने नाइन थाउजेंड निकाल लिया, तो ये कंडीशन में ये एवरेज पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा अगर मैं एक अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूं तो constantly मुझे वही अमाउंट आगे रेगुलरली विड्रॉ करना है दूसरा बात मैंने आपको क्या बताई थी पहली कंडीशन क्या थी अगर मैं बात करूं ड्रॉइंग की तो मैं दो महीने में अगर गैप में ड्रॉइंग कर रहा हूं तो अगली ड्रॉइंग भी मैं दो महीने गैप में करूंगा फिर उसके अगली भी दो महीने के गैप में करूंगा या एक एक महीने में कर रहा हूं तो एक एक महीने में करूंगा अगर एक तारीख को निकाल रहा हूं तो एक ही तारीख को निकालूंगा अगर एंड में निकाल रहा हूं तो फिर मैं एंड में निकाल। निकालूंगा तब तो मेरा ये एवरेज पीरियड एप्लीकेबल है अदरवाइज एप्लीकेबल एप्लीकेबल नहीं नहीं है है तो सर जहां एवरेज पीरियड वहां आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जैसे भी हमने पहले क्वेश्चन नंबर इलेवन में करी वैसे ही आपको करनी है तो अब ये समझते हैं कि एवरेज पीरियड कैलकुलेट कैसे होता है ये पीरियड हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना पीरियड है किस पीरियड का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे कंडीशन आपको आई होप क्लियर हो गई होगी अब हम बात करते हैं इस एवरेज पीरियड के कैलकुलेशन की तो देखिए एवरेज पीरियड जो होगा अधिकतर आपके एग्जाम्स में दो तरीके से आ सकता है कि या तो आप ड्राइंग मंथली कर रहे हैं या आप ड्राइंग क्वार्टरली कर रहे हैं या तो आप ड्राइंग को मंथली कर तो करते हैं या ड्राइंग को आप क्वार्टरली करते हैं क्वार्टरली का मतलब है तीन तीन महीने के गैप में राइट अब इस केस में भी तीन केस बनते हैं कि अगर आप ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करते हैं मंथ के बीच में करते हैं मिड में या मंथ के एंड में करते हैं सिमिलरली क्वार्टर के लिए भी सेम सिस्टम है कि आप क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग करते हैं मिड में करते हैं या एंड में करते हैं अगर आप मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग करते हैं लेट से एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इफ अ पार्टनर इज बिड्रूंग बिगिनिंग ऑफ ईच एंड एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल एक अप्रैल जब से फाइनेंशियली स्टार्ट हुआ वहां से वो ड्रॉइंग करता है फिर वो मे में करता है फिर वो जून में करता है एंड सो ऑन वो फर्स्ट मार्च तक लास्ट ड्राइंग करेगा अगर आप इसको काउंट करें तो पार्टनर ने ड्राइंग तो 12 बार की अप्रैल में जो ड्राइंग करी उसका इंटरेस्ट पूरे अप्रैल मंथ का लगेगा क्योंकि एक अप्रैल को ड्राइंग कर रहे हो आप तो अप्रैल में आपने पूरे मंथ उस पैसे को यूज किया है तो पूरा अप्रैल का इंटरेस्ट लगेगा इस तरह मे वाले पे मे का भी लगेगा जून वाले पे जून का भी लगेगा और उससे पहले वाले ड्राइंग पर भी पहले वाले इंटरेस्ट लगते जाएंगे लास्ट ड्राइंग आपने मार्च में की है फर्स्ट मार्च को उसका भी इंटरेस्ट लगेगा और थर्टी फर्स्ट मार्च तक क्योंकि हमारी बुक्स अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होती है तो अब अगर हम हिसाब लगाए तो बारह बार ड्रॉइंग हुई नंबर ऑफ टाइम्स जो है ड्रॉइंग का वो ट्वेल्व है और इंटरेस्ट भी ट्वेल्व मंथ्स का ही लगेगा क्योंकि पूरे साल ड्राइंग हुई है कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जिसमें हमने कम जो है पीरियड को या पैसे को कम पीरियड के लिए यूज किया है या हमने कोई मंथ स्किप किया है नहीं पूरे एक महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा पूरे महीने के लिए पूरे साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि हमने बारह महीने उस पैसे का यूज किया है जो ड्रॉइंग एक अप्रैल को हुई है वो इकतीस मार्च तक चली है इट मीन्स वो पूरा पैसा पूरा बारह महीने यूज हुआ है ट्वेल्व मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा तो अगर आप बिगिनिंग में ड्रॉइंग करते हैं तो पूरे ट्वेल्व मंथ्स का इंटरेस्ट यहां पर चार्ज होगा इस बात का ध्यान रखेंगे राइट right? अब सपोज अगर आप ड्रॉइंग करते हैं मिड ऑफ एवरी मंथ तो मिड का मतलब क्या है कि आपने पैसा फिफ्टींथ अप्रैल को निकाला फिफ्टीन मे को निकाला फिफ्टीन जून को निकाला तो अब लास्ट ड्रॉइंग फिफ्टींथ मार्च को होगी अब मैं यहां आप से आपसे सिर्फ दो ड्राइंग के बारे में बात करना चाहूंगा बाकी ड्राइंग तो पूरे मंथ में जैसे पंद्रह अप्रैल को ड्राइंग हुई तो पंद्रह अप्रैल से पंद्रह मई तक एक महीने का इंटरेस्ट लगेगा फिर पंद्रह मई से पंद्रह जून तक अगले महीने का इंटरेस्ट हो गया इस तरह उस उसमें इंटरेस्ट लगता जाएगा आप एक बात समझे अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं पूरे फाइनेंशियल ईयर की जिसमें ट्वेल्व मंथ्स होते हैं और वो फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होता है और थर्टी फर्स्ट मार्च को क्लोज होता है मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप मिड में ड्राइंग कर रहे हो तो क्या ट्वेल्व मंथ्स का इंटरेस्ट लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए क्यों मैं आपको बताऊं अगर आपने करी है, पहली 15 को, तो भाई ये एक अप्रैल से फिफ्टींथ अप्रैल के पीरियड में तो कोई ड्राइंग ही नहीं है एक अप्रैल से फिफ्टींथ अप्रैल के पीरियड में जब कोई ड्रॉइंग ही नहीं है तो मतलब पंद्रह दिन का तो कोई इंटरेस्ट बनता ही नहीं है इसी तरह लास्ट ड्राइंग आप कब कर रहे हैं लास्ट ड्राइंग आप फिफ्टीन मार्च को कर रहे हैं और फिफ्टीन मार्च से उस ड्राइंग का सेटलमेंट 15 मार्च 31 मार्च को हो जाएगा 31 मार्च को बुक्स क्लोज होगी 31 मार्च को ड्राइंग का पैसा कैपिटल से सेट ऑफ हो जाएगा ड्राइंग खत्म तो इस लास्ट वाली ड्राइंग पर भी देखा जाए तो फिफ्टींथ मार्च को जो ड्राइंग हुई वो फिफ्टीन अगले साल फिफ्टीन अप्रैल तक नहीं गई वो 15 मार्च की ड्राइंग 31 मार्च को खत्म हो गई अब इस पीरियड को भी अगर हम देखें तो 15 डेज का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है मतलब बाकी के 15 डेज एक महीने की बात होती है तीस दिन की तो 15 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा बाकी 15 डेज का इस पीरियड में इस ईयर में नहीं होगा तो 15 डेज का इंटरेस्ट यहां कैलकुलेट नहीं हुआ फिफ्टीन डेज का इंटरेस्ट यहां कैलकुलेट नहीं हुआ इसका मतलब पूरे बारह महीने में से पंद्रह पंद्रह दिन एक महीने का इंटरेस्ट कम लगेगा तो अगर पार्टनर मिड में ड्राइंग करता है तो 12 महीने की जगह इंटरेस्ट 12 महीने का नहीं 11 महीने का लगेगा इसलिए हम मिड में 11 मंथ्स लेके चलेंगे आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी 11 मंथ्स का कॉन्सेप्ट क्या लिया मैंने कि थ्रू आउट द ईयर आपने ड्राइंग करी है लेकिन फिफ्टी ऑफ द मंथ आपने ड्राइंग करी है तो स्टार्टिंग के फिफ्टीन डेज और एंड के फिफ्टीन डेज आपके कम हो रहे हैं ड्रॉइंग्स के इस वजह से वो जो इंटरेस्ट का पीरियड है ड्रॉइंग तो बारह बारी करी है आपने यहां पर ध्यान रखें ड्राइंग तो बारह बार हुई है लेकिन इंटरेस्ट ग्यारह महीने का ही लगेगा क्योंकि फिफ्टीन डेज पहले कम हो रहे हैं और फिफ्टीन डेज लास्ट में कम हो रहे हैं तो ग्यारह महीने का इंटरेस्ट हम मिड में लेके चलेंगे ओके अब बात करते हैं आगे अगर ड्रॉइंग एंड ऑफ एवरी मंथ हो रही है मंथ के एंड में हो रही है मतलब पहली ड्रॉइंग अगर मैं स्टार्ट करूं तो मेरी इस केस में पहली ड्रॉइंग जो होगी वो थर्टीथ अप्रैल को होगी राइट थर्टीथ अप्रैल को अगर मेरी ड्राइंग होगी तो आप सोचिए पूरा अप्रैल थर्टीथ अप्रैल को अगर मेरी ड्राइंग हो रही है मतलब एक अप्रैल से थर्टीथ अप्रैल वाला जो मंथ है ये पूरा मंथ खत्म हो गया और इस बीच कोई ड्राइंग नहीं थी ड्राइंग थर्टीथ अप्रैल को हुई है एक महीना पूरा ड्राइंग नहीं थी तो एक महीना एक मंथ आपका यहां लैप्स हो गया इंटरेस्ट का इस तरह थर्टी अप्रैल को ड्राइंग होगी फिर थर्टी मे को होगी फिर थर्टी जून को होगी एंड सो ऑन लास्ट थर्टी फर्स्ट मार्च को भी ड्राइंग होगी ड्राइंग तो बारह हुई अगर आप काउंट करोगे तो लेकिन इंटरेस्ट की जब मैं बात करूं तो एक इंटरेस्ट तो मैंने आपको यहां बता दिया और एक लास्ट इंटरेस्ट जो होगा जो ड्राइंग थर्टी मार्च को होगी और थर्टी मार्च को सेट ऑफ हो जाएगी एट द एंड ऑफ द ईयर को ये ड्राइंग होगी 31 मार्च को 31 मार्च को एंड ऑफ एक साल का और उस दिन वो ड्राइंग सेट ऑफ हो जाएगी कैपिटल से तो इस ड्राइंग पर भी कोई जीरो पीरियड हो गया कोई इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं तो अब देखा जाए तो 12 बार ड्राइंग हुई लेकिन एक महीने की इंटरेस्ट की सेविंग यहां हो जाती है एक महीने की इंटरेस्ट की सेविंग यहां हो जाती है तो 2 महीने का टू मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं होगा पूरे बारह बार ड्राइंग हुई लेकिन इंटरेस्ट बारह महीने का नहीं सिर्फ टेन मंथ्स का लगेगा टू मंथ्स का इंटरेस्ट तो लगेगा ही नहीं क्योंकि आपने उस पैसे का यूज सिर्फ और सिर्फ दस महीने ही किया है एक तरीके से तो उन बारह ड्रॉइंग्स का पैसा दस महीने तक यूज हुआ इसलिए यहां इंटरेस्ट हम टेन मंथ्स का लगाएंगे हमने वन मंथ पहले लैप्स कर दिया वन मंथ एंड में लैप्स कर दिया ड्राइंग बारह हुई लेकिन इंटरेस्ट दस महीने का ही लगेगा राइट अब आप सोचिए ये जो पीरियड मैंने आपके लिए बनाया है इसमें मैंने आपको जो बताया उसमें आप एक चीज को बस अब अपने दिमाग में सेट कर लें अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा बिगिनिंग में बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ जितना पीरियड है जितनी बार ड्राइंग है उतने पार का इंटरेस्ट लगेगा मतलब बारह बार ड्रॉइंग है तो बारह बार का लगेगा अगर मिड में कर रहा है तो वन मंथ आपको कम कर देना है अगर बारह महीने ड्रॉइंग करी है तो इंटरेस्ट ग्यारह का लगेगा अगर नौ ही महीने ड्रॉइंग करी है तो इंटरेस्ट आठ महीने का लगेगा अगर इंटरेस्ट अगर ड्रॉइंग छह महीने करी है तो इंटरेस्ट पांच महीने का लगेगा क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये तब है जब आप पूरे साल थ्रू आउट द ईयर ड्रॉइंग करते हैं अगर एंड में करते हो तो दो महीने कम लगेंगे इंटरेस्ट के अगर आप टेन ट्वेल्व मंथ्स ड्रॉइंग करते हो तो इंटरेस्ट टेन मंथ का लगेगा अगर आप ड्रॉइंग टेन मंथ्स करते हो तो इंटरेस्ट एट मंथ्स का लगेगा अगर आप ड्रॉइंग सिक्स मंथ करते हो तो इंटरेस्ट फोर मंथ्स का ही लगेगा नाउ ये तो बात हो गई कितने पीरियड के लिए इंटरेस्ट लगेगा अब बात करते हैं एवरेज पीरियड की तो जो एवरेज पीरियड है वो कितना लेंगे हम इसमें आपको आगे प्लस वन कर देना है बिकॉज हम इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे और यहां पर ये यह जो वन मैंने यहां एड किया है इस वन का लॉजिक ये है कि हर ड्रॉइंग के बीच एक एक महीने का गैप ले रहे हैं अपन एक एक महीने का गैप है इसलिए ऐड कर रहे हैं अच्छा सर अगर दो दो महीने का गैप होता तो दो ऐड करते अगर तीन तीन महीने का गैप होता तो तीन ऐड करते फॉर एग्जांपल जैसे अगर यहां पर क्वार्टरली ड्राइंग हम कर रहे हैं अगर बिगनिंग में मैं ड्राइंग करूंगा तो इंटरेस्ट तो बारह महीने का लगेगा अगर बिगनिंग में कर लिया तो लेकिन हर ड्रॉइंग के बीच एक महीने का गैप नहीं है तीन महीने का गैप है तो क्वार्टर का पीरियड निकालते समय ट्वेल्व प्लस वन नहीं करूंगा ट्वेल्व प्लस करूंगा आई होप आपको ये प्लस वन और प्लस थ्री का लॉजिक क्लियर होगा अब यहां डिवाइडेड बाय टू बिकॉज हम इन दोनों का एवरेज कर रहे हैं ऊपर दो वैल्यूज है एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए हमें दो वैल्यूज है तो दो से डिवाइड करना है तीन होती है तो तीन से करता हमें यहां पर भी दो वैल्यू है तो दो से डिवाइड करना है अब आप कैलकुलेट करो बारह प्लस एक कितने हो गए थर्टीन अपॉइंट टू और थर्टीन अपॉइंट टू का मतलब है सिक्स पॉइंट फाइव तो अगर आप आपकी बुक में देखेंगे आप जब अपने स्कूल्स में पढ़ेंगे आपको पढ़ाया जाएगा आपके टीचर्स बताएंगे कि ऑफ एवरी मंथ अगर ड्राइंग होती है तो सिक्स एंड हाफ मंथ का इंटरेस्ट एवरेजली आप उस कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल इस तरह से वो एंड हाफ आ रहे हैं बट डोंट ट्राई टू लर्न बोर्ड एग्जाम्स में अगर हम ये लर्न करके चले जाएं कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्रॉइंग होगी तो साढ़े छह महीने का सिक्स पॉइंट फाइव का इंटरेस्ट लगा लूंगा अगर मिड में हुई तो सिक्स मंथ का इंटरेस्ट लगेगा और एंड में हुई तो इलेवन बाय टू फाइव पॉइंट फाइव मंथ साढ़े पांच महीने का इंटरेस्ट लगेगा यह सही है आप लर्न कर लो कोई इशू नहीं है लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में यह कह दिया गया कि नहीं ड्रॉइंग ट्वेल्व मंथ्स हुई नहीं पार्टनर ने ड्रॉइंग नाइन मंथ ही की थी पूरे बारह महीने ड्रॉइंग करी नहीं सपोज ने ड्रॉइंग जुलाई के मंथ से स्टार्ट करी फिर फिर ये सिक्स एंड हाफ एंड सिक्स एंड से फाइव एंड फाइव पॉइंट हाफ फाइव पॉइंट फाइव ये पीरियड एप्लीकेबल नहीं होंगे फिर आपको खुद को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कैसे कैलकुलेट करोगे अगर मैंने कहा कि ड्राइंग नौ महीने ही हुई है बिगिनिंग में हुई है तो नाइन प्लस वन अपॉइंट नाइन प्लस अपॉइंट मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा मिड में हुई है तो मैंने कहा था एक महीना कम लेना अगर नौ महीने ड्राइंग हुई है तो नौ महीने का इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट आठ महीने का लगेगा एट प्लस वन नाइन अपॉइंट टू फाइव फोर पॉइंट फाइव मंथस का इंटरेस्ट लगेगा अगर एंड में ड्रॉइंग हुई है तो मैंने कहा था इंटरेस्ट आपका आ, दो महीने का कम लगेगा तो आपके नौ महीने में से दो महीने हटा दीजिए सेवन मंथ का इंटरेस्ट लगेगा तो सेवन प्लस वन एट एट अपॉन टू फोर मंथ का एवरेजली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा राइट तो ये तब तक ठीक है जब तक ड्राइंग पूरे साल होती है आप लर्न कर लो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर ड्राइंग पूरे साल नहीं होती है जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहां एक केस बना रहा हूं कि अगर ड्रॉइंग एट मंथ्स होती है अगर एट मंथ्स के लिए ड्राइंग की जाती है तो बिगिनिंग में एवरेज पीरियड क्या होगा एट प्लस टू नाइन 4.5 मंथ्स। अगर मिड में होती है तो एट मंथ्स की जगह लेना सेवन एक कम ले लेना मंथ्स। ये वन तो सब में लेना है क्योंकि एक एक महीने का गैप है और अगर सिक्स मंथ ड्राइंग होती

मिड में अगर जैसे हम बात करें कि क्वार्टर uh, में हमने मंथ uh, के केस में हमने कहा था कि एक महीना कम होगा क्वार्टर केस में एक क्वार्टर कम हो जाएगा और एक क्वार्टर कम होने का मतलब होता है तीन महीने कम हो जाना क्योंकि पार्टनर ड्राइंग कब करेगा पहला क्वार्टर हमारा होगा एक अप्रैल से एंड होगा थर्टी जून को लेकिन वो ड्राइंग करेगा फिफ्टींथ मे को मिड ऑफ द क्वार्टर तो इस क्वार्टर का मिड क्या है फिफ्टींथ मे एक अप्रैल से तीस जून वाले क्वार्टर का, का मिड क्या है अब को अगर आपने ड्राइंग करी तो सोचिए एक अप्रैल से फिफ्टीन मई तक का तो तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ डेढ़ महीना आपका यहां कम हो गया और सेम कॉन्सेप्ट चलेगा लास्ट वाले, आ, में। लास्ट आपका आएगा जनवरी टू मार्च तो इस वाले में भी आप फिफ्टींथ फेब को ड्रॉइंग करोगे फोर्थ ड्रॉइंग जो चौथी ड्रॉइंग आप करोगे तो अब यहाँ इंटरेस्ट फिफ्टीन फेब से लेकर मार्च तक मतलब वन पॉइंट का लगेगा लेकिन बाकी वन पॉइंट फाइव मंथस का इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि मार्च को खत्म हो हो जाएगी सेट हो जाएगी सेट ऑफ तो डेढ़ महीना पहले डेढ़ महीना बाद में तीन महीने कम हो गए तीन महीने मतलब एक क्वार्टर कम हो गया जैसे हमने यहां एक मंथ कम किया था आप वैसे समझ लें सिंपली वहां पर एक क्वार्टर कम करना है लेकिन एक क्वार्टर का मतलब तीन महीने है तो बारह में से तीन महीने कम हो गए नौ महीने का इंटरेस्ट लगेगा प्लस थ्री क्योंकि हर ड्राइंग के बीच तीन महीने का गैप है तो यहां पर सेवन पॉइंट फाइव मंथ आएंगे करें अपन तो ये मंथ ही आएंगे और अगर एंड की बात करें जैसे हमने एंड में बात करी थी कि एंड के केस में हम यहाँ पर टू मंथ्स लेस कर रहे थे कम कर रहे थे यहाँ दो क्वार्टर कम कर दो और दो क्वार्टर का मतलब है छ महीने कम हो गए छ महीने कम होने का मतलब है बारह में से छह महीने कम कर लीजिए आप तो बाकी के छ महीने का ही इंटरेस्ट चार्ज होगा तो यहाँ सिक्स प्लस थ्री करेंगे हम सिक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू नाइन बाय टू फोर पॉइंट फाइव मंथस का इंटरेस्ट चार्ज होगा तो ये है एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट और ये तब एप्लीकेबल होगा जब ड्राइंग इवनली हर मंथ होगी और या हर क्वार्टर होगी विथ कॉन्स्टेंट अमाउंट राइट इसको समझने के लिए अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हमारे पास मैनन इज अ पार्टनर इन अ फर्म ही विद्रू टू थाउजेंड पर मंथ फ्रॉम द फर्म फॉर इज On बनाया है इस तरह से कि आपको तीनों के समझ में आ जाए एक ही बार में अगर बिगनिंग में कर रहा है ड्रॉइंग पार्टनर तो पहली बात तो यह समझे बिगिनिंग में ड्रॉइंग करने के लिए ड्रॉइंग का अमाउंट क्या है टू थाउजेंड पर मंथ मंथली कर रहा है और पूरे साल कर रहा है यहां पूरे बारह महीने ड्रॉइंग जब तक तो क्वेश्चन कुछ नहीं बोले पूरे साल पूरे थ्रू आउट द ईयर दर ड्रॉइंग करते आ रहे हैं तो बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि एवरेज पीरियड क्या लोगे कैसे निकालोगे सिक्स एंड हाफ आएगा हमें पता है बट कैसे आएगा कि पूरे बारह महीने का इंटरेस्ट लगेगा एक महीना का गैप है ड्राइंग के बीच में तो एवरेजली सिक्स एंड हाफ मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा वो कैलकुलेट कैसे होगा अगर मैं बात करूं पहले कि ड्रॉइंग कितनी है कई स्टूडेंट ये भी गलती कर देते हैं कि 2000 पर ही फटाफट इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं नहीं 2000 तो हर मंथ ड्रॉइंग करिए 12 महीने की ड्रॉइंग 24000 हो गई तो अब मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करूंगा कि टोटल जो ड्राॅइंग है वो 24000 है एक ही बार टोटल ड्राॅइंग पर इंटरेस्ट निकालूंगा टेन रेट है और जो टाइम है वो सिक्स एंड हाफ मंथस है तो सिक्स एंड हाफ मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूंगा मैं ट्वेंटी पर टेन तो ये आपका आएगा थर्टीन हंड्रेड तेरह सौ रुपए अब बात करूं अगर मैं मिड में करते आप यही ड्रॉइंग तो मिड में हमने पढ़ा था एक महीने कम का इंटरेस्ट लगेगा मतलब ग्यारह प्लस एक ग्यारह महीने का इंटरेस्ट लगेगा तो सिक्स मंथ हो जाएंगे एवरेजली तो अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करूंगा कि ट्वेंटी फोर थाउजेंड की ड्रॉइंग है और टेन परसेंट इंटरेस्ट की रेट है और सिक्स मंथ का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है तो ये ट्वेल्व हंड्रेड आ जाएगा सिंपली अब मैं बात करूं एंड में तो हमने कहा था दो महीने कम लेने हैं तो दो महीने का मतलब है बारह की जगह हम दस महीने का इंटरेस्ट लेंगे डिवाइड अपॉन टू फाइव पॉइंट फाइव मंथ्स का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे ट्वेंटी फोर थाउजेंड की ड्रॉइंग है उसका टेन परसेंट फाइव पॉइंट फाइव मंथस का इंटरेस्ट तो कितना आएगा ये हम देख लेते हैं ट्वेंटी फोर थाउजेंड पर टेन परसेंट ट्वेंटी फोर हंड्रेड हो जाता है और इंटू फाइव पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय ट्वेल्व तो ये आपका आता है इलेवन हंड्रेड ये ग्यारह सौ रुपए का इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हो जाएगा तो ये था एग्जाम्पल जिसमें हमने सीखा कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट होगा अगर मंथली ड्रॉइंग पार्टनर करता है तो बिगनिंग एंड और मिड तीनों का केस हमने यहां पर ले लिया चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन कहता है हिमांशु विड्रू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ साफ बोल रखा है एंड में निकाला है ठीक है लेकिन यहां ये यह पैसा सिर्फ आठ महीने के लिए निकाला है इस बात पे ध्यान दे बारह महीने नहीं आठ महीने पैसा निकाला है तो इसका एवरेज पीरियड क्या होगा पहले बात करूं मैं एवरेज पीरियड की तो ये एवरेज पीरियड हम निकालेंगे हमने बात करी थी एंड में एक सिंपल ध्यान रखना है दो महीने कम लेने जितने भी मंथ ड्रॉइंग करिए उससे दो महीने कम का इंटरेस्ट लगेगा तो आठ महीने अगर ड्रॉइंग करी है तो आठ का नहीं इंटरेस्ट छह महीने का लगेगा छह प्लस एक अपॉन दो सात अपॉन दो साढ़े तीन महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम अब टोटल ड्राइंग भी ध्यान रखना है कितनी हो गई टोटल ड्रॉइंग आपकी हो गई है अगर आप 2500 निकाल रहे हैं हर महीने और ये आपने आठ महीनों तक निकाला है तो 2500 फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय एट अगर हम करें तो ये कितना आता है ये आपका आता है 20,000 तो 20,000 पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है अब 20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% परसेंट इंटरेस्ट की रेट है और जो टाइम पीरियड है एवरेजली वो साढ़े तीन महीने का आता है तो ट्वेंटी थाउजेंड पर ट्वेल्व परसेंट ट्वेंटी फोर हंड्रेड होता है और थ्री पॉइंट फाइव मंथस का इंटरेस्ट सेवन हंड्रेड होता है तो ये सेवन हंड्रेड इसका आंसर आ जाएगा सिंपली ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तो देखिए भारत एक पार्टनर है फॉर्म में वो तीन हजार रुपए निकालता है स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टर अभी क्वार्टर का केस आ गया ध्यान दें क्वार्टर का केस है तो क्वार्टर में हमने पढ़ा था कि आ, अगर आप बिगिनिंग में स्टार्टिंग ऑफ क्वार्टर लगाते हैं ड्रॉइंग करते हैं तो एवरेज पीरियड क्या होगा पूरे बारह महीने का इंटरेस्ट लगेगा प्लस थ्री अपॉन टू क्योंकि तीन तीन महीने का गैप होगा ड्राइंग में तो यहां पंद्रह अपॉन दो साढ़े सात महीने का सेवन पॉइंट फाइव का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आप एवरेजली टोटल ड्राइंग क्या हो गई टोटल ड्राइंग का अमाउंट क्या होगा इस बात का ध्यान रखेंगे खास यहां पर जब आप टोटल ड्राइंग निकालोगे तो थ्री था मल्टीप्लाई है हर क्वार्टर में तीन हजार निकाले गए साल में चार ही क्वार्टर होते हैं बारह महीने के पीरियड में चार क्वार्टर आएंगे तो आपकी कुल ड्रॉइंग बारह हजार रुपए हो गई इस ट्वेल्व थाउजेंड पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले ट्वेल्व थाउजेंड इंटू टेन परसेंट और इंटू सेवन पॉइंट फाइव तो ट्वेल्व थाउजेंड का टेन परसेंट सेवन पॉइंट फाइव का इंटरेस्ट अगर हम निकालें तो यह आता है सेवन फिफ्टी इसके बाद अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन को अगर हम समझें तो देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या कहते हैं अमित और बोला पार्टनर है फर्म में और प्रॉफिट को बांटते हैं इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो थ्री टू है एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन इज टू बी चार्ज एट द रेट ड्रॉइंगसेंट पर एनम ओकेर ड्रॉइंग ड्यूरिंग दर टू थाउजेंड नाइन वर् ट्वेंटी फोर एंड सिक्सटीन रेस्पेक्टिवली अब आप यहां ध्यान दें यहां मंथली ड्रॉइंग नहीं है क्वार्टरली ड्रॉइंग भी नहीं है एक साथ एक बार में ड्राइंग दे रखी ट्वेंटी फोर थाउजेंड ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में चौबीस हजार निकाले कब कब निकाले कैसे कैसे निकाले क्वेश्चन ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो अब इस केस में कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे हम इस केस में मैंने आपको पहले बताया था जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है टाइम की एक ही ड्राइंग आपके साल भर में हो रही है कब करी नो no आइडिया तो हम अज्यूम कर लेंगे कि आपने ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर मिड ऑफ द ईयर की है हम सिक्स मंथ का इंटरेस्ट आपसे एवरेजली चार्ज कर लेंगे क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ड्राॅइंग या तो आप बिगिनिंग में तो करोगे नहीं एंड में आप करोगे नहीं फिर बीच में आपने कब करी हमें पता नहीं हम अज्यूम कर लेंगे आपने बीच में मीन्स अक्टूबर के लगभग आसपास आपने ड्रॉइंग करी है तो हम एवरेजली लेके बात करेंगे एवरेजली सिक्स मंथ का इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा तो अमित की आ, बात करूं जब तक मैं अमित के इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तो उसकी ड्राइंग का अमाउंट है ट्वेंटी फोर थाउजेंड एक ही बार इन्होंने ड्राइंग की बात कर रखी है टेन परसेंट की रेट है और सिक्स मंथ का एवरेजली इंटरेस्ट लग जाएगा जब तक क्वेश्चन कोई हमें बात नहीं कर रहा पीरियड के लिए कब करी ड्रॉइंग तो इसी तरह हम बोला की बात करें तो बोला ने भी जो ड्रॉइंग करी है वो सोलह हजार की है उस पर इंटरेस्ट की रेट टेन परसेंट है और सिक्स मंथ का इंटरेस्ट हम उसपे भी कैलकुलेट कर लेंगे एवरेजली तो ये हमारा आएगा ट्वेल्व हंड्रेड और ये हमारा आएगा एट हंड्रेड ये हमारा हो गया इंटरेस्ट इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट जब हमारे पास कोई पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो और स्पेशली वर्ड भी लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर तो उसको हम लोग सिक्स मंथ एवरेजली मानकर अज्यूम करके चलेंगे तो ये था हमारा टॉपिक ये थी हमारी क्लास रिलेटेड टू द टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आई होप आपको क्लियर होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर में दो टॉपिक और बाकी हैं जिसमें एक है पास्ट एडजस्टमेंट्स और एक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर ये दो टॉपिक हम और लेंगे इसके बाद इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे थैंक यू